नए साल की दस्तक के साथ ही प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में छाए संकट ने प्रशासन और सरकार की नींद उड़ा रखी है। प्रदेश में बर्ड फ्लू का खतरा अब जयपुर तक पहुंच गया है। ताजा अपडेट के अनुसार 7 जिलों में 24 घंटों के भीतर 135 कौओं की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 9 दिनों से लगातार कौओं की मौत का सिलसिला जारी है। अब तक करीब 250 से ज्यादा कौओं की मौत हो चुकी है। इसकी पुष्टि प्रशासन भी कर चुका है। विशेषज्ञों की माने तो कौओं की मौत का कारण बर्ड फ्लू ही है। लगातार बेजुबान परिंदों की मौत के चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। परिंदों की मौत के बिगड़ते हालातों को देखते हुए पशुपालन विभाग ने निगरानी के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया है। साथ ही सरकार, प्रशासन, वन और पशुपालन विभाग की टीम भी समन्वय बनाकर मॉनिटरिंग कर रही है। सर्वप्रथम 25 तारीख को झालावाड़ में रोडा के बालाजी एक जगह है नियर बाई, वहाँ कौवे मरने की खबर आई थी। तो हमारे जॉइंट डायरेक्टर झालावाड़ और जिला कलेक्टर झालावाड़ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहाँ भेजा उनको। फिर 27 तारीख को मरे हुए कौवों का सैंपल भोपाल में जो एक लैब है हमारी पूरे इंडिया की, जहाँ ये जांच होती है इसकी, वहाँ भेजा। 29 तारीख को लैब में वहाँ पुष्टि हुई कि उनमें बर्ड फ्लू है। 29 के बाद में अभी जो वर्तमान में लेटेस्ट मेरे पास खबर है कि कोटा में 47 कौवे मरने की खबर है, झालावाड़ में 100 कौवे मरने की खबर है, अब तक आपके 12 में 72 कौवे मरने की खबर है, बूंदी में नहीं है अभी तक। तो कोटा संभाग में अगर हम बात करें तो 219 कौवे पिछले 5 दिन में मरने की खबर है। पाली में उधर 19 कौवे मरने की खबर है और जोधपुर में 7 कौवे मरने की खबर है। आज अभी सुबह हमारे को जल महल से भी मैसेज आया, तो वहाँ हमारी टीम अभी गई हुई है, काम कर रही है मौके पर, तो वहाँ भी पता लगा 7 कौवे वहाँ मरे हुए मिले हैं। एक तो अभी तक ये हुआ कि ज़्यादातर एक कौओं में आया है। दूसरा, जिला कलेक्टर से जिस दिन बात हुई उसी दिन उन्होंने 30 तारीख को ही वहाँ उन्होंने पूरी जो रैपिड रेस्पॉन्स टीम होती है वहाँ CMHO, जिला के जो हमारे पशुपालन अधिकारी DFO हमारा, उनकी एक रेस्पॉन्स टीम बनाई है और वो पूरे आसपास के एरिया का सर्विलांस कर रही है वहाँ। क्योंकि ये ज़्यादातर इसके बाद में संभावना ये रहती है कि मुर्गियों में या जहाँ भी हमारे मुर्गी पालन का व्यवसाय वहाँ नहीं फैले, तो वहाँ के 38 सैंपल हमने लिए हैं और अभी तक उसमें पुष्टि नहीं आई है। लगातार हो रही कौओं की मौत को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ टीम का भी गठन किया गया है। विशेषज्ञ दल भी मौत के असली कारणों को जानने में जुट गया है। दल इसके लिए कोटा, जोधपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग में भेजा गया है। वहीं रविवार को गहलोत सरकार के पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने भी इस मामले में आला अधिकारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि प्रदेश में बर्ड फ्लू के खतरे सबसे पहले CM गहलोत के गृहनगर जोधपुर से शुरू हुआ था। झालावाड़ हो, चाहे भरतपुर हो, चाहे पाली हो, जोधपुर, हर जगह घटनाएं सामने निकल रही है। देखिए, बिल्कुल ये जो बात सामने आई है बर्ड फ्लू की, ये काफी गंभीर है। अभी भी अधिकारियों की मीटिंग चल रही है, आज 12 बजे रखी है, आपात मीटिंग बुलाई गई है, डॉक्टर्स रवाना करेंगे, वन विभाग से भी बात कर रहे हैं और जो स्थिति है उसके लिए एक नंबर भी वो कर रहे हैं, एक आपातकालीन वो बना रहे हैं, उसमें नंबर देंगे कि जहाँ भी ऐसी कोई स्थिति बनती है तो उसकी सूचना मिले। और पूरा चाक चौबंद कर दिया है प्रशासन को, खासतौर से जो पशुपालन विभाग है, वन विभाग है, उनके अधिकारी आज मीटिंग कर रहे हैं आपस में, आपको मालूम होगी चल जाएगा। सैंपल भेजे गए कटारिया जी, क्या लग रहा है? सैंपल की रिपोर्ट भी आने की बाकी है। अभी आज ही मैं आया हूँ, उससे पहले दिशा निर्देश दे के आया हूँ कि पूरे राजस्थान की मीटिंग की जाए, डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी है उनसे संवाद किया जाए और जहाँ जहाँ भी है वहाँ व्यवस्था की जाए, इस तरह का कोई भी प्रकरण सामने आता है तुरंत सैंपल उठा के और उसको भेजा जाए। इन जिलों से कैसी रिपोर्ट आई है अब तक? अभी तक ऐसा कोई ज़्यादा है नहीं, वो एक बार जो रिपोर्ट आई है उधर से कुओं वाली, वो ठीक है कि उसमें कुछ ना कुछ हुआ है और वो एंजाइना फ्लू जो होती है बीमारी उन्होंने बताई है, उसके बारे में लैब में रिपोर्ट आगे भेजी गई है। धीरे धीरे 7 जिलों में इसका खतरा बढ़ गया है। इस खतरे से फिलहाल हाड़ौती क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। कोटा, बारा और झालावाड़ में अब तक कौओं की मौत के बड़े आंकड़े सामने आए हैं। इधर कोटा के मुकुंद्रा टाइड हिल्स में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहाँ भी जीरो मोबिलिटी के आदेश दे दिए गए हैं। बीते 24 घंटों के भीतर हनुमानगढ़ में 88, झालावाड़ में 13,
12 में 12, जयपुर और जोधपुर में 7-7, पाली और बीकानेर में 4-4 कौओं की मौत हुई है। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि जब राजस्थान में पक्षियों पर संकट छाया हो। इससे पहले बीते साल सांभर में पक्षियों की मौत ने तबाही मचाई थी, जहां बड़ी संख्या में विदेशी पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया था। कहा जा रहा है कि सांभर झील में पिछले साल हुई घटना के बाद ये दूसरी बड़ी घटना है। एक्सपर्ट का कहना है क्योंकि यह वायरस जनित रोग है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। राजस्थान से नवभारत टाइम्स के लिए खुशेंद्र तिवारी की रिपोर्ट।